किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी को किया नामंजूर, कहा ध्यान भटकाने के लिए निकाला गया है ये रास्ता। किसान नेताओं ने कमेटी को बताया सरकार का पक्षधर, कमेटी के सामने पेश न होने का किया ऐलान। किसान नेता डॉक्टर दर्शनपाल सिंह ने कहा जो सरकार नहीं कर पाई वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए करा रही है। किसान संगठनों ने कहा हमारा संघर्ष अनिश्चितकालीन, कमेटी के सदस्य बदल भी जाएं तो नहीं होंगे पेश। किसान नेता रविंदर पटियाला ने कहा ऐसी बातें कही जा रही हैं जैसे हमारा मकसद लाल किले पर झंडा फहराना है, ऐसा नहीं होगा। 15 जनवरी को तय होगा 26 जनवरी का पूरा कार्यक्रम। किसान नेता बलबीर सिंह राजोवाल ने कहा शांतिपूर्ण रहेगा आंदोलन। कृषि कानून पर गठित 4 सदस्यीय कमेटी 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी रिपोर्ट, अगले 10 दिन में होगी पहली बैठक। 8 हफ्ते बाद फिर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, कमेटी का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया स्टे, अगले आदेश तक कानूनों के अमल पर रोक का आदेश। कमेटी में इकोनॉमिस्ट अशोक गुलाटी, बीकेयू के भूपेंद्र सिंह, खाद्य नीति विशेषज्ञ प्रमोद जोशी और शेतकारी संगठन के अनिल घनवंत शामिल। चीफ जस्टिस ने कहा हम कमेटी बना रहे हैं, किसानों को समाधान चाहिए तो कमेटी के पास जाना ही होगा, कमेटी देखेगी कानून में क्या हटाने की जरूरत है। सीजेआई बोले किसानों के हितों की रक्षा करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा किसान आंदोलन करना चाहते हैं तो करें, रामलीला मैदान में कर सकते हैं प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट कमेटी के सदस्य अनिल घनवंत का बड़ा बयान, कहा ऐसा समाधान निकालेंगे जो सबके हित में होगा। सुप्रीम कोर्ट के बाद राकेश टिकैत का बयान, कमेटी में शामिल सब लोग सरकार के कानून वापसी तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों के आंदोलन को लेकर गृहमंत्री अमित शाह से मिले हरियाणा के सीएम, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी रहे मौजूद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हरियाणा के सीएम ने किया स्वागत, कहा जो भी फैसला होगा सबको मान्य होगा। हरियाणा में खट्टर सरकार से समर्थन वापसी की धमकी, कृषि कानून पर दुष्यंत चौटाला के कुछ विधायकों ने दी चेतावनी। दिल्ली में कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर के बाहर थाली बजाकर जताया विरोध। राहुल गांधी ने फिर पीएम मोदी पर किया हमला, कहा सत्याग्रही किसानों को उलझाने की सरकार की कोशिश बेकार। कमेटी पर राहुल गांधी का ट्वीट, पूछा कानूनों को लिखित समर्थन देने वाले सदस्यों से न्याय की उम्मीद की जा सकती है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का बड़ा बयान, कहा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमारी इच्छा के खिलाफ। रिपब्लिक डे पर किसान रैली को लेकर बोले कैलाश चौधरी, दुनिया में जाएगा नेगेटिव मैसेज। किसानों की कमेटी की बात न मानने पर बोले कैलाश चौधरी, विपक्ष आग में घी डालने का कर रहा है काम। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कमेटी पर उठाए सवाल, कहा काले कानून के समर्थक है कमेटी। सुरजेवाला बोले कांग्रेस तीनों कानून वापस लेने तक मोदी सरकार का विरोध करती रहेगी। कृषि कानूनों पर रोक का एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने किया स्वागत, कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसानों के लिए बड़ी राहत। 14 जनवरी तक पूरे देश में पहुंच जाएगी वैक्सीन, सभी राज्यों को पूरी तैयारी करने के निर्देश। वैक्सीनेशन की दूसरी डोज के 14 दिन बाद दिखेगा प्रभाव, 2 डोज में 28 दिन का गैप होगा। वैक्सीनेशन से किसी तरह का कोई खतरा नहीं, सरकार ने कहा दोनों वैक्सीन कम से कम साइड इफेक्ट वाली। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल की अपील, कहा आईएमए से प्रमाणित है वैक्सीन। वैक्सीन के विकल्प पर स्वास्थ्य सचिव की सफाई, दुनिया भर में मल्टीपल वैक्सीन का सिस्टम। स्वास्थ्य विभाग ने दी जानकारी, कहा 200 रुपए प्रति डोज के हिसाब से 1,10,00,000 कोविशील्ड की डोज का दिया गया है ऑर्डर। कोवैक्सीन के 55,00,000 डोज का सरकार ने दिया ऑर्डर, मंगलवार तक 54,72,000 डोज मिले। देश में 4 और वैक्सीन का ट्रायल जारी, कुछ महीनों में मिलेगी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। भारत की वैक्सीन दुनिया भर में सबसे सस्ती, फाइजर 2800 से ज्यादा, मॉडर्ना की कीमत 2700 तक है। 3 करोड़ हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त लगेगी वैक्सीन, वैक्सीनेशन का पूरा खर्च उठाएगा केंद्र। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होने पर भावुक हुए सीरम के सीईओ आदार पूनावाला, कहा कोविशील्ड की सप्लाई गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक। भारत के लिए एक और खुशखबरी, ब्राजील के साथ भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन भेजने का समझौता किया। कोलकाता भी पहुंची कोविशील्ड की पहली कंसाइनमेंट, बाग बाजार के सेंट्रल फैमिली मेडिकल स्टोर में रखी गई। उत्तर प्रदेश में वैक्सीन स्टोर सेंटर पर होगी कड़ी सुरक्षा, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा डिस्ट्रीब्यूशन की गाड़ियों को भी देंगे सिक्योरिटी। भारत में तेजी से घट रहे हैं कोरोना के केसेस, स्वास्थ्य सचिव ने कहा भारत में अब सिर्फ 2,16,000 एक्टिव मरीज। लोगों से लापरवाही न बरतने की अपील, देश में सिर्फ केरल और महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 50,000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,936 नए पॉजिटिव, 50 मौत, 3,282 और कोरोना मरीज ठीक हुए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 386 लोग कोरोना से संक्रमित, 545 मरीज रिकवर, 16 की मौत। दिल्ली में कुल केस 6,30,000 के पार, एक्टिव मरीजों की संख्या 3,179। केरल में कोरोना नहीं ले रहा थमने का नाम, 5,507 नए केस सामने आए। ओडिशा में शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे 200 लोग, कोरोना नियमों का पालन करना होगा। दुनिया में कोरोना के 9,14,00,000 से ज्यादा केसेस, मौत का आंकड़ा 19,56,000 के पार। वैक्सीनेशन शुरू होने पर WHO का बयान, 2021 में नहीं मिलेगी हर्ड इम्यूनिटी, 70% लोगों का टीकाकरण जरूरी। इबोला से जंग के लिए भी WHO है तैयार, पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की स्टोरेज तैयार। 14 जनवरी को सिंगापुर से वहां जाएगी WHO की टीम, सोमवार को चीन ने दी है एंट्री की मंजूरी। चीन के हेबेई प्रांत में दूसरे राउंड की टेस्टिंग जारी, बड़ी तेजी से सामने आ रहे थे कोरोना के केसेस। स्पेन में इमरजेंसी वर्कर्स को वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू, फाइजर की पहली डोज लगाई गई। जर्मनी में कोरोना से हो रही मौत ने बड़ा खतरा पैदा किया, दफनाने के लिए कम पड़ रही है जमीन। इंडोनेशिया पहुंची 1,50,00,000 चाइनीज वैक्सीन की डोज, हाई रिस्क वालों का इस हफ्ते से शुरू हो सकता है वैक्सीनेशन। मलेशिया में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लगी इमरजेंसी, अगस्त महीने तक संसद रहेगी निलंबित।
पुर्तगाल के राष्ट्रपति हुए कोरोना पॉजिटिव, प्रेसिडेंट ऑफिस ने दी जानकारी। मुंबई में कबूतर कौए की मौत से दहशत, कांजुरमार्ग इलाके में मिले शव। कबूतर कौए की मौत पर अलर्ट हुई बीएमसी, मृत पक्षियों को हटाकर पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया। बीएमसी ने बर्ड फ्लू पर जारी की गाइडलाइंस, पक्षियों की मौत की सूचना के लिए बनाया इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर। मध्यप्रदेश और राजस्थान में बर्ड फ्लू के संक्रमण में तेजी, मध्यप्रदेश के 18 और राजस्थान के 13 जिलों में फैला इन्फेक्शन। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू को देखते हुए जीवित पक्षियों के इंपोर्ट पर रोक, कुछ इलाकों में प्रतिबंध। उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू की हुई पुष्टि, देहरादून और कोटद्वार जांच के लिए भेजी गई सैंपल पॉजिटिव। बंगाल में स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर सियासत रही हाय, सिलीगुड़ी में टीएमसी और बीजेपी की रैली। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर बोला हमला, कहा 15 साल में कुछ नहीं किया, केवल इमोशनल बातें करते हैं। दूसरे नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में पीएम का संबोधन, बोले स्वामी विवेकानंद ने भारत को उसकी ताकत का एहसास कराया। पीएम मोदी ने कहा स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति सिखाई, संस्था और व्यक्ति निर्माण पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा देश को नई ऊंचाई पर ले जाने और आत्मनिर्भर बनाने का काम युवाओं को करना है। पीएम मोदी की युवाओं से अपील, कहा अपने आपके जीवन का स्वर्णिम काल भारत के लिए स्वर्णिम साबित होगा। पीएम ने राजनीति में वंशवाद पर साधा निशाना, कहा सरनेम के सहारे चुनाव जीतने के दिन लद गए। पीएम का विपक्ष पर हमला, कहा कुछ लोगों की राजनीति का लक्ष्य सिर्फ अपने परिवार को बचाना है। गोवा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के साथ राजनाथ सिंह की बैठक, श्रीपद नाइक की हेल्थ कंडीशन पर चर्चा। राजनाथ सिंह बोले नाइक की हालत अब स्थिर, पीएम ने फोन करके गोवा आने के लिए कहा था। चुनाव आयोग के साथ केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की बैठक, आगामी चुनावों में सेंट्रल फोर्स की तैनाती पर हुई बात। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ओपन डिबेट में विदेश मंत्री का बड़ा बयान, कहा तकनीक और आधुनिक हथियारों ने आतंकी संगठनों की ताकत बढ़ाई। जयशंकर का पाकिस्तान पर हमला, बोले आतंकियों को जानबूझकर पनाह देने वाले कुछ देश दोषी हैं। आर्मी चीफ MM नरवणे का बड़ा बयान, बोले चीन और पाकिस्तान की साठगांठ देश की सुरक्षा के लिए खतरा। चीन को आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे की चेतावनी, LAC पर किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है भारतीय सेना। आर्मी चीफ ने कहा सीमा पर सेना पूरी तरह चौकस, जवानों का मनोबल काफी ऊंचा। भारत और बांग्लादेश के बीच पुलिस प्रमुखों के स्तर की वर्चुअल बैठक, काउंटर टेररिज्म पर मिलकर करेंगे काम। बॉर्डर से लगने वाले राज्यों के पुलिस प्रमुख और दूसरे सुरक्षा बलों के चीफ ने बैठक में लिया हिस्सा, इमरजेंसी सिक्योरिटी के लिए बनेगा नोडल पॉइंट। खराब मौसम और बर्फबारी की वजह से लद्दाख में फंसे 286 लोगों को भारतीय वायुसेना ने एयरलिफ्ट किया। बिहार में कांग्रेस की बैठक के दौरान आपस में भिड़े नेता, बिहार प्रभारी भक्त चरण दास के सामने मारपीट। कांग्रेस किसान प्रकोष्ठ के नेता रामकुमार शर्मा को बोलने से रोकने को लेकर हुई मारपीट, समर्थकों की चली कुर्सियां। आगरा से आई हैरान कर देने वाली घटना, प्रेमिका को स्मार्टफोन देने के लिए प्रेमी ने एक शख्स की हत्या कर दी। राजस्थान के जोधपुर में मिला कैप्टन अंकित गुप्ता का शव, 5 दिन पहले तख्त सागर पर अभ्यास के दौरान से थे लापता। पैरामिलिट्री फोर्स के कमांडो थे कैप्टन अंकित गुप्ता, 7 जनवरी को तख्त सागर में डूबने से मौत की आशंका। ईरान के परमाणु संवर्धन पर यूरोपीय संघ ने जताई चिंता, कहा परमाणु समझौते पर संकट पैदा होगा। इंडोनेशिया के क्रैश विमान का ब्लैक बॉक्स मिला, जावा सागर में शनिवार को टेक ऑफ के तुरंत बाद हुआ था हादसा। चीन में सोने की खदान में विस्फोट, 22 से ज्यादा मजदूरों के फंसे होने की आशंका। सैन फ्रांसिस्को में ट्विटर के मुख्यालय पर ट्रंप समर्थकों का प्रदर्शन फ्लॉप, केवल एक शख्स पहुंचा, अकाउंट बैन पर किया जाना था प्रदर्शन। खाड़ी देश ओमान के संविधान में संशोधन, देश को मिलेगा पहला क्राउन प्रिंस, सुल्तान के कई बदलावों का किया ऐलान। पूर्वी रूस में एक अपार्टमेंट में आग से 8 लोगों की मौत, 90 से ज्यादा लोग बचाए। नवंबर में देश का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 126.3 दर्ज, 2019 के मुकाबले 1.9% की गिरावट। दिसंबर में लोगों को मिली महंगाई से बड़ी राहत, 4.59% पर रही खुदरा मुद्रा स्फीति। सोने की कीमतों में 297 रुपए की उछाल, 48,946 रुपए हुई प्रति ग्राम की कीमत। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ रुपया, 15 पैसे बढ़कर 73.25 रुपए पर पहुंचे। करीब 248 अंकों की उछाल के साथ बंद हुआ सेंसेक्स, 49,517 के ऑल टाइम पीक पर पहुंचा। और निफ्टी ने भी बनाया रिकॉर्ड, 78.70 की उछाल के साथ 14,563 पर हुआ बंद।